ट्रांसफर ऑफ हीट नाम से ही पता लग रहा है हीट को ट्रांसफर करवाना है। तो हीट को ट्रांसफर कैसे करवाना है उसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तो जैसे मान लो आप, कंडक्शन का मतलब सॉलिड में हीट कैसे ट्रेवल करती है, मॉलिक्यूल इंटरेक्शन, थर्मली मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेट करते हैं और आगे आगे वाइब्रेशन पास करते हैं तो कोई भी रॉड गर्म हो जाती है। आप मान लो कोई भी चाय का कप, चाय बना रहे हैं, कंटेनर रखा, तो अगर वो हैंडल ना हो प्रॉपर और स्टील का ही हो या मेटल का ही हो तो आप हाथ नहीं लगा पाएंगे, इतना गर्म होता है, क्योंकि कंडक्शन से हीट ट्रेवल कर जाती है। उसी के अंदर अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं कंटेनर में, आप ध्यान से देखें जब पानी कैसे गर्म होता है, नीचे के मॉलिक्यूल जल्दी गर्म होते हैं तो वो ऊपर चले जाते हैं, ठंडे मॉलिक्यूल उनकी जगह लेते हैं, फिर वो गर्म होते हैं ऊपर जाते हैं, ठंडे मॉलिक्यूल जगह लेते हैं, ये कन्वेक्शन है। हवा भी तो ऐसे ही चलती है, गर्म हवा गर्म हो जाती है ऊपर चली जाती है, ठंडी हवा उसकी जगह लेती है, कन्वेक्शनल विंड्स बोलते हैं जिन्हें, कन्वेक्शन। और तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन में कोई एटम नहीं, कोई मॉलिक्यूल नहीं, कोई हवा नहीं चाहिए, कोई पानी नहीं चाहिए, एटम भी नहीं चाहिए, वैक्यूम ही चलेगा। तो रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हीट जो है वो या कोई भी एनर्जी है वो ट्रेवल कर जाती है। और जैसे कोई भी आप कोई भी फिर से चाय बना रहे हैं तो सेक आता है ऊपर से, तो सेक क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन है। कोई भी हॉट बॉडी इज अ सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन ऑटोमेटिकली निकलती हैं। तो वो कन्वेक्शन नहीं है, उसके लिए एटम नहीं चाहिए, आप एटम एयर हटा दोगे तो भी सेक आएगा, नहीं चाहिए। तो सन से हीट आ रही है हमारे यहाँ तक, वैक्यूम है, तो वो इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में आ रही है, वो रेडिएशंस हैं। हमारा जो मेन काम होगा इस चैप्टर में वो कंडक्शन और रेडिएशन पे रहते हैं न्यूमेरिकली। तो आज जो अभी हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे कंडक्शन। तो ये वही बता रहा है शुरू में, सॉलिड्स आर हीटेड बाय कंडक्शन, लिक्विड और गैसेस बाय कन्वेक्शन, और प्रोसेस ऑफ रेडिएशन को कैरी करने के लिए हमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्शन। तो थर्मल कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर, फ्रॉम हायर टू लोअर थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। बताया मैंने, जैसे स्टेडी स्टेट एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, ये चलो करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता, पर दो लाइन में बता देता हूँ मैं स्टेडी स्टेट क्या चीज़ है। वो कहते हैं मान लो ये रॉड है, रॉड का एक एंड हॉट एंड है, एक एंड कोल्ड एंड है, तो हीट ट्रेवल करेगी फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। अब स्टेडी स्टेट उसे बोलते हैं कि एक सेकेंड में कितनी हीट ट्रेवल कर रही है, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, वो पूरे हर पोर्शन में लेट अस सपोज क्या है, कांस्टेंट है। हीट फ्लोइंग पर सेकेंड हर पोर्शन में क्या है, सपोज कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो यानी कि जब कांस्टेंट हीट ट्रेवल करे एक सेकेंड में तो वो स्टेडी स्टेट है। कई बार ऐसा भी हो सकता है एक सेकेंड में ज्यादा हीट ट्रेवल कर गई एक पोर्शन में, अगले एक सेकेंड में कम हीट ट्रेवल कर गई, नॉन यूनिफॉर्म हीट ट्रेवल हो रही है, तो वो स्टेडी स्टेट नहीं है। यूनिफॉर्म हीट ट्रेवल हो रही है एक सेकेंड में तो स्टेडी स्टेट है। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर स्टेडी स्टेट के साथ ही न्यूमेरिकल आएंगे आपको, नॉन स्टेडी स्टेट नहीं आती। तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम ही रहती है एक रॉड में, राइट। नेक्स्ट है इसके अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। आपको याद होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता था, वेलोसिटी ग्रेडियंट था डीवी बाय डीएक्स, ऐसे लिखते थे ना कि डीवी चेंज इन वेलोसिटी बाय डीएक्स। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, डीपी बाय डीएक्स। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, डीटी बाय डीएक्स। सिंपल, वो कह रहे रॉड का एक पोर्शन ले लो, रॉड के पोर्शन में देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस डीटी, और कितने एलिमेंट में, सपोज डीएक्स, तो डीटी बाय डीएक्स को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। सिंपल, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं यहां T1 बड़ा होगा टेम्परेचर, T2 छोटा होगा, तभी हीट राइट की तरफ जाएगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, T1 माइनस T2 बाय x, इसको भी बोल सकते हैं इट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये भी टेम्परेचर ग्रेडियंट है, यूज करें ना करें अलग बात है, यूज नहीं होता वैसे, बट हाँ पता होना चाहिए टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या चीज है, ठीक। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, लिख दिया मैंने इसमें। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल कंडक्टर।